देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। जवाहर कला केंद्र में अभिषेक मुद्गल के संयोजन में हुए 7 दिवसीय हिंदी राजस्थानी भाषा के थिएटर महोत्सव रंग राजस्थान के तीसरे दिन वो खिड़की नाटक का मंचन हुआ। चित्रार्थ मिश्रा के निर्देशन में मंचित नाटक वो खिड़की एक प्रयोगात्मक नाटक है जिसके सेट में बर्फीले पहाड़ों का दृश्य देखने वाले को वास्तविक सुकून प्रदान करता है। चित्रार्थ जवाहर कला केंद्र की थिएटर प्रोत्साहन योजना के तहत मान्य रंगकर्मी भी हैं। नाटक ऐसे में दुर्गम क्षेत्र में तैनात 3 घायल सैनिकों की मनोदशा को दर्शाता है। क्या होगा जब ऐसे स्थान पर सैनिक घायल हो जाते हैं, गर्दन तक बर्फ में डूबा शरीर, चेहरे से रिसता खून, मदद या मृत्यु के लिए आपका जोर जोर से चीखना लेकिन खामोशी के अलावा किसी का भी नहीं सुनना। मजबूत इरादा और दृढ़ निश्चय के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे, जो कम हकीकत वाली बंदूक का खिलौना हाथ में थामे 20 सिपाही को शर्मिंदा कर रही थी। उनके पास एक दूसरे को सुनाने के लिए कहानियां थी। नाटक में इसी यथार्थ का बेहतरीन अंदाज में चित्रण किया गया। खनिका के देखते ही देखते एक जहाज से कुछ चीज थी, एक कागज के छोटे टुकड़ों के समान थी। देखते ही ये टुकड़े हवा में पतंगों की तरह इधर उधर उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिदा के छत पर भी गिरे। खालिदा दौड़ती हुई गई और वो कागज का टुकड़ा अपने मामू जान के पास ले गई। इसी समारोह के तहत विशाल चौधरी के निर्देशन में खेला गया नाटक अधांतर में मुंबई के कपड़ा मिलों के कुप्रबंधन का मिल मजदूरों के परिजनों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया। जाने माने मराठी नाटककार जयंत पवार का ये नाटक मराठी रंग आंदोलन में नई राह बनाने वाले नाटकों में गिना जाता है। ये सार्वभौमिक अपील वाला एक यथार्थवादी नाटक है और 1980 से 90 के दशक में मुंबई में हुए कपड़ा मिल हड़ताल के शिकार लोगों के जीवन का बेहतरीन अंदाज में चित्रण करता है। रंग शिल्प संस्था की ओर से रविंद्र मंच पर तपन भट्ट निर्देशित और नीरज गोस्वामी लिखित नाटक सुबह कब होती है का मंचन किया गया। इसमें रंगमंच की 4 पीढ़ियों ने एक साथ मंच और मंच पार्श्व पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें गुस्सैल बुजुर्ग की भूमिका में पहली पीढ़ी के कलाकार वासुदेव भट्ट ने जान डाल दी। अरे साहब आप मन छोटा मत करो, हां बिल्कुल छोटा मत करो, आप तो एक काम करो, ये लो घूमड़ी हो। लेकिन राम सिंह गणपत ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया था कि किसी भी चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अगर हत्या की चिट्ठी किसी ने लिखी तो क्यों लिखी? देखो किसी ने मजाक नहीं किया। हाँ हमें यह भी बताया गया था कि घटना खुद बताती है कैसे घटित। अच्छा आपके पास खोज करने की दृष्टि होनी चाहिए बस। वो डॉक्टर से ठीक है आप तुम पहले खा लो। अब मूर्ति खा ले। मैं कह रहा था कि दक्षिण अच्छा ठीक है, लेकिन क्या है आपने जो ट्रेनिंग ली है ना वो वाली तो किताबों में पढ़ के लेते हैं थ्योरेटिकल। हाँ ये वाला कल। हाँ और सर पांडे जी की जो ट्रेनिंग है ना वो वाली जो वो मतलब वो प्रैक्टिकल है, वो ये वाला कल है। हाँ
मृतक की विधवा के रूप में अभिनेत्री भगवंत कौर ने अभिनय किया। नए अधिकारी समर यादव की भूमिका में चौथी पीढ़ी के संवाद भट्ट ने प्रभाव छोड़ा। वरिष्ठ अभिनेता विनोद भट्ट ने एक लापरवाह पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। उनके दो चमचे के रूप में अनिल मारवाड़ी और विशाल भट्ट की जुगलबंदी ने दर्शकों को हंसाया। सब बढ़िया हुआ ये बंबई नहीं गया। क्यों यार? नहीं सोचो जंजीर में जामवंत तो रोल करता कैसा लगता। अरे तुम खेल छोटा मत करो बेटा। संगीत अनिल सक्सेना अन्नी का था। गायन में रिमझिम झिलमिल, तबले पर शैलेंद्र शर्मा और वायलिन पर गुलजार ने साथ दिया। नाटक सुबह अब होती है, अब होती है, अब होती है पंकज सुबीर की कहानी थी जिसका नाट्य रूपांतरण मैंने किया। मुझे कहानी बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें एक नारी की व्यथा है, उसकी पीड़ा है, उसके ऊपर जो घट रही है उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है इस नाटक में। और इसके साथ साथ बहुत सारे मैसेज हैं जो कि ये नाटक आपको देता है। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक ही जगह बहुत अच्छी तरह से इस कहानी में था। और इस कहानी में नाटक के सारे तत्व हैं, यानी कि इसमें कॉमेडी भी है, इसमें इमोशंस हैं और इसके अंदर नारी की पीड़ा है और हम लोगों का ऑब्सेशन जो है, हम लोगों का जो एक नज़रिया है समाज का, जो नज़रिया औरत के प्रति, वो भी बहुत क्लियर होता है। तो एक बड़े रोचक अंदाज में इस कहानी को प्रस्तुत करने का हम सब का विचार था, लहर वालों का। रंग राजस्थान फेस्टिवल के तहत रंगायन ऑडिटोरियम शहीद भगत सिंह और सुखदेव सहित कई क्रांति वीरों की विचारधारा से आबाद हुआ। यहां अभिषेक गोस्वामी के निर्देशन में पीयूष मिश्रा लिखित नाटक गगन दमामा बाजियो का मंचन हुआ। गगन दमामा बाजियो दरअसल शहीद भगत सिंह के संघर्ष की दास्तां है। गगन दमामा बाजियो गुरु ग्रंथ साहिब की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है तू आज से भिड़ जा, बाकी देख लेंगे। पीयूष मिश्रा ने इस नाटक में भगत सिंह की उस सोच को शामिल किया है जिसमें उन्होंने 70 साल के बाद को हिंदुस्तान की कल्पना कर ली थी। नाटक में गरिमा पारी, निखित शर्मा, पूजा सहाय, स्वप्निल जैन आदि कलाकारों ने अभिनय किया। अरुस्वाति व्यास के निर्देशन में नाटक लॉस्ट पैराडाइज का मंचन हुआ जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हमले और नरसंहार को बताया गया। इसमें विभिन्न घटनाक्रमों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि एक रात में कैसे सब कुछ बदल गया और उनके अपने ही दुश्मन बन गए। सुधांशु मोहन, प्रफुल्ल बोराना, निखिल मुकुंद, अशोक बोहरा व कृष्णकांत व्यास ने अभिनय किया। लो और डायलॉग बोल रहे हैं, बस मर जाओ, ले जाओ या भाग जाओ, समझ में आया? आखिरी बात करके बता रहा हूँ, क्या कैरेक्टर क्या है तुम्हारा? सर वो एक आदमी है जिसकी पूरी फैमिली को मार दिया और वो पागल हो गए। पागल हो गए ना, सोचो कि पागल हो गए, एक्टिंग मत करो। देखो गले सले गले गले सले